You are watching NTTV News Telangana Television. बोलिए भाई, बोल सकते हैं ना? बोलिए आगम दबीरपुरा रेल के पटरियों से पहले जी पीछे से तीन जने पीछे से स्कार्फ लगा के वो गोश की चाकू से हमला करे। क्या टाइम पे हुआ ये? 10:30 का। तो कौन थे आप, जानते हैं लोगों को? नहीं जानता मैं, मुआ बंद थे लोगों के। फिर थोड़ा आगे बढ़ाया तो चाकू बताए तो फिर मैं पलटा के वो करतनगर के रास्ते से सीधा पीएस को गया। आप गाड़ी पे थे? मैं चाकू मारे नहीं लगा समझा, मैं जैसा पलटा के गया तो पूरा शर्ट भर गया, खून भर गया। तो अरे बोला चाकू मारे पीछे से, एक हाथ सुन हो गया था मेरा जी। हाँ, पीएस के गेट करने छे गाड़ी मेरी बाइक एक्टिवा पीछे से मारे और वो गोश्त काटने की चाकू है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। आप क्या करते हैं? मैं वेस्ट पेपर बिजनेस करता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं एदिबाजार में रहता हूँ। चल रहा है? नहीं नहीं स्टार्ट हुए। आज नामालूम अशराब ने जो चेहरे पे घाटे बने हुए थे, पुरानी हवेली पे जिसका कारोबार है मोहम्मद अब्दुल जब्बर कुरैशी नाम है उनका, वेस्ट पेपर का कारोबार है पुरानी हवेली पे, वो शख्स आजमपुरा नाले के पास से सातगुड़ी के पास से होते हुए अपने घर जबीलपुरे की तरफ जा रहे थे। वो रास्ते में तीन लोग, एक बाइक पे तीन लोग थे, तेज धारी अपने चाकू से हथियार से हमला करे। अभी मैं डॉक्टर से बात किया मैं तो उनका कहना यह है कि भाई डीप बहुत है, तकरीबन 3 इंच 2.5 इंच के करीब इतना डीप है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको कि जल्द से जल्द उनको ब्लड वगैरह देंगे उनको। और इतला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैं सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल यहाँ पर आया, तकरीबन हम 1.5 घंटे से यहाँ पर है। अभी उनको बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए और उनसे बात किए। अब और MLA साहब भी अभी यहाँ पर पहुँचने वाले ही है। मगर बड़ा अफसोस इस बात का है कि नामालूम अशरार कुछ ना कुछ कभी कभार ऐसे हालात होते जा रहे हैं। जो आज एक बेकसूर शख्स, इंतहाई शरीफ, जो मैं खुद भी जानता हूं उसको, वो शख्स के ऊपर एक खातिलाना हमला किया गया है। मैं पुलिस वालों से, खासतौर से DCP साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जो खाती है उनको गिरफ्तार करिए, कि आज उनके पूरे घर वाले, आज यहाँ उनकी पूरे फैमिली यहाँ मौजूद है। रोम राग का एक मंजर है यहाँ पर कि एक नई वबा फैल रही है शहर हैदराबाद में। मैं फिर एक मरतबा तमाम अहदेदारों से, आला पुलिस के आला अहदेदारों से गुजारिश करूंगा कि भाई ये ऐसे लोगों को, ये जो स्टेज है इनिशियल स्टेज पे, इनको अरेस्ट करें और सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं मिलते इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम वर्कर्स यहाँ मौजूद है और हम देख के अभी यहाँ पर हम जब उनको शिफ्ट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग